क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के खिलाड़ी इन दिनों यूएई में हैं, वहां पर आईपीएल की तैयारी अपने चरम पर है, आखिरी चरण है और बस कुछ दिन और उसके बाद सबसे बड़ा क्रिकेट का रोमांच शुरू हो जाएगा। अब आईपीएल से ठीक पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लेकर, विराट की कप्तानी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और यहां तक कहा जाने लगा है कि विराट कोहली वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे और रोहित शर्मा टीम इंडिया के अगले कप्तान हो सकते हैं। अब ऐसे में बीसीसीआई ने इस पर सबसे बड़ा और फाइनल अपडेट दिया है और विराट के इस्तीफे का दिन भी बताया है। बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई से ऊपर भारतीय क्रिकेट में कुछ भी नहीं है और बीसीसीआई का फैसला आखिरी होगा। तो यानी कि विराट पर अब जो बात कही गई है, अब जो फैसला लिया गया है वो आखिरी है। तो क्या है ये बीसीसीआई का फैसला, विराट की कप्तानी का कौन सा दिन है आखिरी, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय विराट की कप्तानी को लेकर जरूर दें। तो भारत का इंग्लैंड दौरा खत्म हो गया और टीम इंडिया ने विराट की ही कप्तानी में शानदार खेल दिखाया। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है और बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत को ही इस सीरीज का विजेता भी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि टेस्ट मैच तो कोविड के चलते रद्द हुआ था। अब इतने शानदार खेल और इतनी शानदार कप्तानी के बाद भी विराट को कप्तानी से हटाने या फिर विराट के इस्तीफे की बात आने लगी, क्योंकि आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप होना है और जैसे ही कोई भी आईसीसी इवेंट आता है तो विराट को लेकर, विराट की कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि विराट ने सब कुछ किया लेकिन आईसीसी खिताब नहीं जीत पाए और इसीलिए विराट को वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ऐसी बातें कही जाने लगी हैं। और जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी तो फिर तो बवाल हो गया। यहां तक कहा जाने लगा कि विराट को वर्ल्ड कप में आखिरी मौका दिया जा रहा है और इस वर्ल्ड कप के बाद विराट की छुट्टी तय है, रोहित शर्मा नए T20 और वनडे के कप्तान होंगे। अब काफी सारे कयास लगे, काफी सारी बातें हुई, फाइनली बीसीसीआई को भी सामने आना पड़ा। जी हां, बीसीसीआई सामने आया और बीसीसीआई की तरफ से साफ साफ बताया गया कि विराट कोहली कब तक कप्तानी करेंगे और विराट कोहली की कप्तानी का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि विराट कोहली शानदार कप्तान है, विराट ने हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया है। जय शाह ने कहा कि विराट भारत के अब तक के पूरे क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल टेस्ट कप्तान है, उनसे बेहतर टेस्ट कप्तान कोई हो ही नहीं सकता और फिलहाल दूर दूर तक उनका कोई रिप्लेसमेंट टेस्ट मैच में दिखता ही नहीं है। यानी कि टेस्ट कप्तानी तो विराट की कहीं नहीं जाने वाली और वैसे भी बात टेस्ट कप्तानी की बिल्कुल नहीं थी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आगे लिमिटेड ओवर्स कप्तानी की भी बात कही। जय शाह ने कहा कि वनडे में विराट की कप्तानी का विनिंग परसेंटेज 70% से ज्यादा है, जो कि किसी भी भारतीय कप्तान से ज्यादा है। धोनी का विनिंग परसेंटेज 59%, तो अजहरुद्दीन का 54% और सौरव गांगुली का सिर्फ 53% विनिंग परसेंटेज था। यानी कि विराट कोहली इन बड़े कप्तानों से भी काफी आगे हैं, बहुत आगे हैं। इतना नहीं, जय शाह ने कहा कि T20 में भी विराट का विनिंग परसेंटेज 65% से ज्यादा है। जय शाह ने कहा कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, विराट की कप्तानी भी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा खेल खेल रहे हैं, जब तक विराट की कप्तानी में भारत जीत रहा है तो विराट कोहली तब तक कप्तान बने रहेंगे और जिस दिन टीम खराब करेगी, विराट की कप्तानी की धार कम हो जाएगी, उस दिन, जी हाँ, उसी दिन भारत को नया कप्तान मिल जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि अभी फिलहाल विराट की कप्तानी में कोई दिक्कत नहीं है, विराट की कप्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विराट शानदार कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी उनके पास नहीं है, मगर इस बार वो भी आ जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई सचिव मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के टीम के साथ जुड़ने से टीम को काफी फायदा मिला है। जय शाह ने बताया कि इस बार हम वर्ल्ड कप जीतने को लेकर काफी आशावादी हैं और धोनी के आने से टीम मजबूत हुई है। यानी कि बीसीसीआई को भरोसा है कि विराट की टीम इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी और इसमें धोनी विराट की पूरी मदद करने वाले हैं। और फिर वर्ल्ड कप जीतकर विराट की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है, यहां तक कि विराट की कप्तानी पर तो फिर बात होगी ही नहीं, क्योंकि विराट सबसे बड़े कप्तान जो बन जाएंगे। तो विराट की
कप्तानी बचाने में धोनी का भी बड़ा योगदान होने वाला है। अब कुल मिलाकर बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट की सुप्रीम बॉडी है और वहीं से साफ कर दिया है कि विराट कोहली की कप्तानी को कोई खतरा है ही नहीं। हाँ, जिस दिन प्रदर्शन खराब होगा वही दिन विराट की कप्तानी का आखिरी होगा, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं है। विराट कोहली शानदार खिलाड़ी है, बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और फिलहाल हर फॉर्मेट में, जी हाँ, तीनों ही फॉर्मेट में विराट कोहली कप्तान बने रहेंगे। इसे लेकर बीसीसीआई ने बात साफ कर दी है, सब कुछ साफ कर दिया है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या इस बार विराट कोहली अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप का खिताब जीता पाएंगे? बीसीसीआई का फैसला विराट को लेकर कितना सही है? क्या विराट से बेहतर कप्तान रोहित शर्मा साबित हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो रवि शास्त्री के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही भारत के इंग्लैंड दौरे पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। हालांकि चौथा टेस्ट मैच तो जैसे तैसे पूरा कर लिया गया, लेकिन पांचवें टेस्ट मैच से पहले एक और केस जब आया तो विराट समेत भारत के खिलाड़ियों ने खेलने से ही इनकार कर दिया और मजबूरी में दोनों ही बोर्ड को टेस्ट मैच रद्द करना पड़ा। भारतीय बोर्ड की मजबूरी ये थी कि कप्तान और खिलाड़ियों का साथ देना था, उनकी बात माननी थी, और इंग्लैंड बोर्ड की मजबूरी थी कि बीसीसीआई की बात मान लें ताकि बीसीसीआई नाराज ना हो, और इसमें करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब हालत यह है कि खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लंदन जाना पड़ा है। जी हाँ, इंग्लैंड को भारी भरकम नुकसान हुआ है और बीसीसीआई की बात मानकर, गांगुली की बात मानकर टेस्ट मैच को रद्द किया गया, तो उसके बाद खुद सौरव गांगुली लंदन रवाना हो गए ताकि अगले कदम पर, अगली सीरीज पर चर्चा हो सके और इंग्लैंड बोर्ड के घाटे को कम किया जा सके, या फिर इंग्लैंड बोर्ड को कम से कम नुकसान हो और फायदे में पहुंचाया जा सके। और उम्मीद की जा रही है कि ये टेस्ट सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी और अगले साल दो टेस्ट मैच की नई सीरीज होगी। अब सीरीज तो जब होगी तब होगी, लेकिन बीसीसीआई, जो कि रवि शास्त्री और विराट कोहली से बेहद नाराज था और इन पर एक्शन की बात कही जा रही थी, तो फाइनली बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया है। जी हां, रवि शास्त्री पर पहला एक्शन हुआ है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे खिलाड़ियों, कप्तान की रिपोर्टिंग में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। अभी तक कप्तान समेत पूरी टीम और पूरा सपोर्ट स्टाफ हेड कोच रवि शास्त्री को रिपोर्ट करता है और हर काम के लिए रवि शास्त्री की मंजूरी, रवि शास्त्री के साइन जरूरी होते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के खत्म होने से ठीक पहले रवि शास्त्री को बड़ा झटका मिला है और शास्त्री से रिपोर्टिंग छीन ली गई है। हालांकि अभी नई रिपोर्टिंग किसे होगी, कौन नया बॉस होगा, ये साफ नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया मेंटोर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि शास्त्री से रिपोर्टिंग छीन कर रिपोर्टिंग मैनेजर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया जाएगा। हालांकि इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, आईपीएल के बीच में या फिर आईपीएल के खत्म होने वाले दिन ही इसका ऐलान किया जा सकता है। अब अपने शानदार कार्यकाल के आखिरी टूर्नामेंट में रवि शास्त्री हेड कोच तो रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से असरहीन होंगे, उनके फैसले लेने की पावर एक तरह से खत्म कर दी गई है, जो कि उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। बीसीसीआई का मानना है कि टीम का लीडर होने के नाते रवि शास्त्री को गंभीर रवैया दिखाना चाहिए था, लेकिन शास्त्री ने खुद कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा और अन्य खिलाड़ियों को भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए उकसाया, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इसी वजह से टेस्ट सीरीज को रद्द भी करना पड़ा और गांगुली को आनंद फानंद में लंदन जाना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर रवि शास्त्री को जोर का झटका लगा है। रवि शास्त्री हेड कोच तो रहेंगे, लेकिन उनसे रिपोर्टिंग पूरी तरह से छीन ली गई है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।